आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं और आज का हमारा चैप्टर जो है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को करना है और कैसे कैसे क्वेश्चन इसके प्रीवियस ईयर में सीबीएसई में पूछे गए वो भी देखेंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे वाला क्वेश्चन है, 2012 में 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारे पास बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसको ध्यान समझेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे करना है। ठीक है, ये भी हम लोग एक तरीका भी देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ डज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेंज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। अगर लेफ्ट से राइट हम लोग अक्रॉस अ पीरियड मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो ये इसमें आंसर देना है। ठीक है, तो पहले हम आंसर नहीं बताएंगे, पहले हम आप लोगों को बताते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आखिर होती क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो सेम आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिव टर्म से क्वेश्चन दोबारा बन भी सकता है। ठीक है, इसलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या हुआ कि कहीं भी अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, कैसा बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो वहां पे या तो अट्रैक्ट या वहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो एक एटम होगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो वहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डेवलप होती है। ठीक है, जिसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर डिफिनेशन की बात करें तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्ड, मींस कोवेलेंट बॉन्ड बना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। ठीक है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एग्जांपल समझेंगे, अच्छा समझ, जैसे मान हमारे पास HCl है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रोनिगेटिव इसकी अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन की जो मेजोरिटी है वो अपनी तरफ ज्यादा ही अट्रैक्ट करके रखेगी। ठीक है, कौन, क्लोरीन। इस तरीके से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक और बॉन्ड यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन सा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, हम पूरे पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन को होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, ऐसे होता है। बस आप लोग को याद रखना फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाने पर कैसे चेंज होती है, और ये नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो लेफ्ट से राइट जब हम लोग मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी इंक्रीज करती है। ठीक है, लेफ्ट से राइट जब हम लोग मूव करते हैं जो हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो इंक्रीज करती है, मींस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी जो होती है एटम की वो इंक्रीज करती है। अच्छा ये देखो हमने अभी क्या बताया, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, तो जरा आप लोग ध्यान देना पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन राइट हैंड साइड पाया जाता है और लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, ये आप लोग जान गए लेफ्ट टू राइट, ये ऐसे लिख देना अपने आप वर्डों में। अगर पूछ लिया अप टू डाउन क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्डर आप लोग को याद रखना है, क्या पता 2012 में ये पूछ लिया गया, 2022 में ये पूछ लिया जाए कि ऊपर से नीचे आने पर कैसे वेरिएट करती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव टर्म अच्छे से समझते रहो, इसकी डिफिनेशन क्या होती है ये भी हमने बता दिया, कैसे लेफ्ट से राइट वेरिएट करती है जो कि यहाँ आप लिखना है ये भी हमने बता दिया, और ऊपर से नीचे कैसे वेरिएट करती है वो भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, पहले वाले से तो अच्छा ही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है, पढ़ते पहले टू एलिमेंट एक्स एंड वाई हैव एटॉमिक नंबर, दो एलिमेंट है एक्स एंड वाई, एटॉमिक नंबर एक का 12 और दूसरे का 16, टू विच पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डू दीज टू एलिमेंट बिलोंग्स। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन देम एंड वाई। देखो एक्स और वाई, ठीक है, एटॉमिक नंबर दिया गया, एक का 12 है एक का 16 है। आप लोग पहली बात तो एलिमेंट पहचाना सीख लो कि 1 से लेकर 20 तक याद कर लो, 1 से लेकर के 20 तक एटॉमिक नंबर के एलिमेंट याद कर लो, जिससे कोई भी क्या 1 से 20 तक ही आएगा। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट अगर देते तो आप लोग तुरंत उसको पहचान लो आखिर ये एलिमेंट है कौन सा। ठीक है, तो आप लोग इसको नहीं पहचान पा रहे फिर भी आप लोग पीरियड बता सकते हो और बॉन्ड भी बता सकते हो कि कौन सा बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से कैसे इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, और दूसरा वाला वाई है जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 16। ठीक है, अब देखो अगर बात करें पीरियड, तो हमने पीरियड निकालना सिखाया हुआ था, जितनी सेल होती है ना उतना ही पीरियड होता है। क्या बोला हमने, जितनी सेल होती है, जितनी नंबर ऑफ सेल होती है वही उसका पीरियड होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप लोग को ग्रुप पता करना हुआ, पीरियड पता करना हुआ, तो कॉन्फिगरेशन कर दो। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, इसका क्या हो जाएगा 2.8.2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2.8.6 हो जाएगा। ठीक है, देखो 8 10 16 हो गया, 8 10 2 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो
इसमें पहली सेल ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी होगी, तीन सेल होगी, तीन सेल इसमें भी, मतलब ये कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, कौन से पीरियड के एलिमेंट है। तो पहला आंसर हो जाएगा हमारा कि बोथ बिलोंग टू थर्ड पीरियड, ठीक है, दोनों थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें लगता है दो बार हो गया टू एलिमेंट, ठीक है। चलो बिलोंग, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन देम एंड व्हाई, कौन से टाइप का बॉन्ड बनेगा और क्यों बनेगा, दोनों इसमें बताना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अब देखो बॉन्ड क्यों बनता है, एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो एक्स के पास जरा देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, दो है, इसके पास छह है, तो यहाँ पर देखो जरा ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो यहां से देखने को मिल रहा है एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, ट्रांसफर हो रहा है और इसको गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं आयनिक बॉन्ड के केस में, मीन्स यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। शेयर किस में होते हैं, कोवेलेंट में होते हैं, ठीक है, तो यहाँ शेयर तो हो नहीं रहा है, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, देखो एक्स है ये 2 प्लस फॉर्म कर लेगा, क्यों, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन एटम लूज करता उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस पे डेवलप होता है। चलो यहाँ पे देखो y की बात करें तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पे y को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन गिर कर 2 माइनस बना लेगा। तो अगर हम बात करें इसका स्ट्रक्चर बॉन्ड की, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन है इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, कैसे, मतलब नाम कह रहे हैं इसका कंपाउंड बनेगा कैसे, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका, यह क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। दो इसके पास एक्स टू वाई टू लिखोगे, वाई टू टू कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स वाई बच जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको हम आइडेंटिफाई करा देते हैं, खैर यहाँ पूछा नहीं गया फिर भी बता दे रहे हैं आप लोग को, ये क्या है, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है, ठीक है, किसका होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। सिंबल क्या होता है इसका, Mg के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 16 है, तो 16 किसका होता है, याद करो किसका होता है, सल्फर का होता है, ठीक है, किसका होता है, सल्फर, और स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनता है, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, Mg, ठीक है, MgS हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया और ये हो गया सल्फर हमारा, S हो गया। इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब पूछा गया वाई क्यों बनेगा, क्योंकि इसका रीजन आप लोग को लिखना है, X के पास दो इलेक्ट्रॉन है जो कि वो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, Y इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कमी है, तो X Y इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है Y के पास, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर शेयर करते तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता, ठीक है। आसान क्वेश्चन था काफी, 3 नंबर का शायद पूछा गया था किसी ईयर में, ईयर नहीं लिखा हमने यहाँ पर, तो क्वेश्चन इस तरीके से उसको सॉल्व करना है विद ब्रीफ, जितना स्टेटमेंट आप लोग लिख सको अच्छे से, सब्जेक्ट में देखिए फायदा होता है, जितना अच्छे से स्टेटमेंट आप लोग बना दोगे, लिख दोगे, डायग्रामेटिक शो कर दोगे, उतने अच्छे नंबर आप लोग को मिल सकते हैं, ठीक है, फुल मार्क्स मिलने के चांसेस 100% रहते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, वो भी 3 नंबर का, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आप लोग उसको सॉल्व करने के लिए नियर अबाउट पीरियड टेबल में काफी कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को ना कि हम सॉल्व करके आंसर बताएंगे, बल्कि बताएंगे अगर इस टाइप क्वेश्चन अगर आप लोग को आता है तो ग्रुप पीरियड बैलेंस वैलेंस सब कैसे निकालते हैं वो भी बता देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, एन एलिमेंट एक्स हैज मास नंबर, मीन्स एटॉमिक मास दिया हुआ 35 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 18। देखो चीजें जो गिवन है यहाँ पर, एटॉमिक मास दिया गया 35 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया गया, 18 दिया गया। राइट एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्स, अच्छा एटॉमिक नंबर लिखना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताना है एक्स का क्या होगा, एलिमेंट एक्स था हमारे पास, ठीक है। ऑल्सो राइट ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर यहाँ पर बताना है क्या होगा, पीरियड नंबर बताना है क्या होगा और वैलेंसी क्या होगा एक्स का ये बताना है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें यहाँ पे बताना है, एटॉमिक नंबर बताना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में देखो कितनी चीजें पूछी गई थी 2016 में, मात्र 3 नंबर में, ठीक है। क्या क्या पूछा गया था, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और वैलेंसी, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और एलिमेंट आइडेंटिफाई भी नहीं किया गया, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आखिर एलिमेंट है कौन सा, ठीक है। चलो आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ हमारे पास एटॉमिक मास दिया हुआ है ना 35, ठीक है, एटॉमिक मास दिया हुआ 35 होता है ना, एटॉमिक मास 35 हमको दे रखा है, न्यूट्रॉन हमको दे रखा है, न्यूट्रॉन कितना है 18 है, ठीक है। ये बात आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, अगर एटॉमिक मास हमारे पास है उसमें से न्यूट्रॉन के नंबर को माइनस कर देते हैं तो मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर मिल जाते हैं, क्या प्रोटॉन के इक्वली होते हैं तो वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, 35 माइनस 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और एटॉमिक मास इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो अगर न्यूट्रॉन को एटॉमिक मास से माइनस कर देंगे तो प्रोटॉन पता चल जाएगा, जब मुझे प्रोटॉन पता चल गया तो वही इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया, 35 में से 18 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहां से जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 17 आ जाएगा,
क्या आएगा, 17 आ जाएगा आंसर, ठीक है। माइनस करके देख लो तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वही एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो पहला आंसर हमारा आ गया जो पूछा गया था कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, 17 होगा। ये तो अगर गलत हो गया ना सब गलत हो जाएगा, इसलिए इसको तो सही करना है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करते एटॉमिक नंबर 17 था, तो पहले में 2 आता है, दूसरे में 8, ठीक है, 8 + 2 = 10 हो गया, बचा 7, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट आल्सो राइट ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर और बैलेंस शीट। तो पहले हम लोग ग्रुप नंबर की बात करते हैं, कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा। ग्रुप आप लोग को याद है कैसे पता करते हैं, मान लो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया जिसमें दिया कि भाई लेके सॉल्व करते हैं, एक आप लोग को और अलग से एग्जाम्पल देके बताएंगे, मान लो किसी और टाइप क्वेश्चन आ गया तो उसमें ग्रुप कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो 10 ऐड कर दो उसमें, क्या करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो और 10 ऐड कर दो एक्सेप्ट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को छोड़ के, ठीक है, ये बातें हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, 10 ऐड कर दो कितना हो गया, 17 ग्रुप का एलिमेंट होगा, कौन सा होगा ये, 17 ग्रुप का एलिमेंट होगा। और इसको हम लोग बुलाते हैं हैलोजन फैमिली, क्या बुलाते हैं, हैलोजन फैमिली, ठीक है, हैलोजन फैमिली बुलाते हैं। चलो इस तरीके से करना आप लोग को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है उसको 10 ऐड कर देना, ठीक है। हमने कहा था एग्जांपल एक और करा देते हैं, चलो एक और सिम बता देते हैं आप लोग के लिए। तो मान लो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया 16, ठीक है, 16 नहीं पास पड़ जाएगा थोड़ा सा, 14 लिख दिया, हम कहते हैं आप लोग बताओ ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो कैसे करूँ इसका कंफिगरेशन करना, सबसे पहले 2, 8, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, इसमें 10 ऐड कर देना कि कितना हो जाएगा, 14, तो ये 14 ग्रुप का एलिमेंट होगा, ठीक है, ऐसे पता करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और पीरियड नंबर की बात करें, कंफिगरेशन से पता चलेगा जो नंबर ऑफ सेल होते हैं, हमने बताया भी था नंबर ऑफ सेल पीरियड के बराबर होते हैं, कितनी सेल है यहाँ पर, एक सेल ये होगी 2 वाली, एक ये होगी 8 वाली, एक 7 वाली, तो कौन सा होगा ये, 3rd पीरियड का एलिमेंट होगा, ठीक है। ऐसे नहीं आप लोगों को लिखना जैसे हमने यहाँ पे लिखा, हमने बस बता दिया है आप लोग को एक सीक्वेंस में सारी चीजें लिखनी है, ठीक है, कैसे आपने फाइंड आउट किया है। अब बात करें लोग वैलेंसी की, तो वैलेंसी मतलब क्या हुआ कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट में, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जरा देखो आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। कैसे पता किया हमने, जैसे मान लो यहाँ पर आउटर मोस्ट कितना था, 2, 8, 7, 8 होना चाहता है एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा जैसे ही हो, अब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कितनी है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मान लो आउटर मोस्ट में यहाँ पे इसकी बात कर लेते, चलो यहाँ पे बगल में एग्जांपल है भी हमारे पास, यहाँ पे आउटर मोस्ट कितना है, 4 है, ठीक है, तो 4 है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी, ठीक है। समझना आगे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा फिर गेन करेगा, तो कितनी वैलेंसी होगी इसकी, 4 हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब लास्ट बात करते हैं एलिमेंट आखिर एक्स होगा क्या, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला भी नहीं गया है कि एलिमेंट एक्स कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो हम बताते हैं एलिमेंट एक्स कौन सा होगा। इसलिए कहते हैं आप लोग 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद रख लो, ठीक है। तो क्या होता है ये क्लोरीन, क्या है, एक हैलोजन फैमिली का एलिमेंट है, हमने यहाँ पे बताया भी था, क्या नाम है इसका, क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ये क्वेश्चन 2016 में 3 नंबर का पूछा गया था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोगों को काफी ज्यादा आइडिया लग गया होगा किस तरीके से पीरियड ग्रुप वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर और मास नंबर और एटॉमिक नंबर का रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब कुछ पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली जो वीडियो आने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे हम लोग, जिससे पहले ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे।